नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शेखपुरा से खबर है जहां चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। आशीर्वाद यात्रा 5 तारीख को निकलेगी हाजीपुर से, जिसके लिए पटना में तैयारियां चल रही है। हमने आपको दिखाया और आपको अब दिखा रहे हैं कि शेखपुरा में किस तरह की तैयारियां हैं चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर। दरअसल चिराग पासवान हाजीपुर से यात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार की यात्रा करने वाले हैं, आशीर्वाद यात्रा लेने वाले हैं। नए संघर्ष का उन्होंने ऐलान किया था, तो वो नए संघर्ष पर निकलेंगे 5 तारीख को। 5 तारीख को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और उसी दिन चिराग पासवान अपना दम दिखाएंगे। दम कोई और भी देख रहा है, चाचा को तो दिखाएंगे ही दम, और बीजेपी की नजरें भी चिराग के दम पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो रुक गया है और उसके पीछे माना जा रहा है कि चिराग पासवान की ताकत देखना चाहती है बीजेपी कि आखिर चिराग पासवान में कितना दम है। उसके बाद ही कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा, हो सकता है कि चिराग को उसमें जगह दी जाए। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि शेखपुरा से खबर जो आ रही है, शेखपुरा में जो है लोजपा जिला अध्यक्ष ने तैयारी कर दी है, जोर शोर से शुरू कर दी है और रामविलास पासवान की जयंती पर जो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है उसके लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। इमाम गजाली जो है लोजपा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील की है कि बड़ी संख्या में लोग अब उपस्थित हों और 5 तारीख को हाजीपुर में जो यात्रा होनी है आशीर्वाद यात्रा, उसमें शेखपुरा से बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। और इमाम गजाली ने बताया है अपनी तरफ से, जो लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर और इस पूरे आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों पर, आप सुनिए। 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा निकलने वाला है। हमारे पार्टी के संस्थापक और हम लोगों के धड़कन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है, उस अवसर पर हम लोग 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में। और शेखपुरा ज़िला आप देख रहे हैं क्या जोश है शेखपुरा ज़िला के अंदर। मैं चाहता हूँ शेखपुरा ज़िला नंबर 1 हो और इतनी भीड़ हम लोग जमा कर दें पटना एयरपोर्ट पर कि शेखपुरा का जय जयकार हो और चिराग पासवान साहब का हम लोग हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से हम लोग पटना की तरफ कूच करने जा रहे हैं। और उन गद्दारों को जवाब मिलेगा, उन गद्दारों को सीख मिलेगा। ये ना समझे कि चिराग पासवान अकेला है, चिराग के साथ हर वो साथी है, हर वो लोग है, पूरा बिहार है उनके साथ। युवाओं की एक फौज है उनके साथ, दलित की फौज है उनके साथ, अगड़ों की फौज है उनके साथ, पिछड़ों की फौज है उनके साथ, अल्पसंख्यक की फौज है उनके साथ, माताओं का प्यार है उनके साथ, बहनों का प्यार है। इस प्यार के साथ वो अपना कारवां आगे बढ़ा रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आशीर्वाद यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? आशीर्वाद यात्रा अभी पटना उनका 11 बजे आगमन है 5 तारीख को, वहाँ से उनको हम लोग रिसीव करेंगे और लश्कर के साथ हम लोग उनके साथ उनके सिपाही जाएंगे हाजीपुर। हाजीपुर के बाद प्रोग्राम फिर हम लोग का आएगा, तय होगा। लेकिन पूरे बिहार में शेखपुरा का प्रोग्राम मैं बता दूंगा आपको, पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकलेगा और चिराग पासवान की ताकत का मुजाहरा उस दिन होगा जब हर बच्चा बच्चा रोड पे आएगा बोले चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान। तो सुन लिया आपने कि इमाम गजाली ने कहा है कि लोजपा अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और शेखपुरा के लोग लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण 5 तारीख को लोजपा के पूर्व सुप्रीमो रामविलास पासवान की आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिलेगा। साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि युवाओं में चिराग के प्रति उत्साह है और लोग उनका भरपूर समर्थन भी कर रहे हैं। और हाजीपुर में जो 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा निकलेगी तो उसका मंजर आपको देखने में ही कुछ समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान के साथ पूरी लोजपा खड़ी है, युवा खड़े हैं और जो तमाम जो उनके साथ समर्थन है, जन समर्थन, वो चिराग पासवान के साथ खड़ा है। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।